तो दोस्तों बॉलीवुड फिल्म क्रिटिक ने दिया भाईजान सलमान खान की मूवी पर तगड़ा रिएक्शन। कहा दंगल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। जी हां, सलमान खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर पहले से ही तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है और अब फिल्म क्रिटिक ने भी इस पर अपनी तगड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सिकंदर दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जी हां, जब प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने बताया था कि सबसे बड़े ईयर सिक्वेंस के साथ सिकंदर की शूटिंग की जाएगी। ताजा अपडेट ये है कि सिकंदर के कुछ एक्शन सीन को हॉलीवुड टीम डिजाइन करेगी। ये वही टीम होगी जिसने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल के स्टंट को डिजाइन किया था। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स मिशन इम्पॉसिबल की टीम से कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मेकर्स चाहते हैं कि जिस तरह से टॉम ने मिशन इम्पॉसिबल में जबरदस्त एक्शन किया था, उसी तरह सलमान खान भी एक्शन करते दिखे। रिपोर्ट्स ये भी है कि फिल्म के पहले सीन में ही सलमान खान हवाई स्टंट करने वाले है, जिसे डिजाइन करने के लिए मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के स्टंट डिजाइनर से हाथ मिलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक मेकर्स ने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, मगर इतना तो तय है कि सिकंदर को हॉलीवुड लेवल का बनाने की तैयारी चल रही है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि वो हॉलीवुड टीम के साथ कोलैबोरेट करे। सलमान खान भी इस फिल्म पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सिकंदर उनके करियर की सबसे जरूरी फिल्म है। वैसे सिकंदर से पहले सलमान खान करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म दबुल पर काम करने वाले थे। इसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग भी लेने वाले थे, मगर इंडिया मालदीव के रिश्ते पर पड़े दरार के चलते दबुल की शूटिंग रुक गई है। ऐसे में सलमान खान ने सिकंदर को अपना सारा समय दे दिया है। यार मुरुगदास चाहते हैं कि फिल्म के सभी बड़े एक्शन सीक्वेंस को शूट कर लिया जाए। शूटिंग से इतर इस फिल्म से जुड़े कई बड़े बड़े डिटेल्स को छुपाया गया है। पता सिर्फ ये चला है कि सिकंदर में सलमान खान खुद ही एक्शन करने वाले हैं। किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसीलिए फिल्म क्रिटिक फिल्म को लेकर दावा कर रहे हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में कमेंट करके जरूर बताना।